बता दें, मानसून की दस्तक के बाद पूरे प्रदेश भर में लगातार भारी बारिश का दौर जारी है। ऐसे में मौसम विभाग ने एक बार फिर से पूर्वानुमान जारी कर दिया है। बता दें कि मौसम विभाग ने कुमाऊं के अधिकांश जिलों में आने वाले 24 से 48 घंटे तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं गढ़वाल के अधिकांश जिलों सहित राजधानी देहरादून और मैदानी इलाकों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि भारी बारिश को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की बेहद आवश्यकता है, खासकर इस दौरान नदी नालों के आसपास जाने से बचे, साथ ही आवागमन पर भी सतर्कता बरते। तो देखिए, अभी तक जो बारिश की एक्टिविटी उत्तराखंड के लिए मानसून सीजन की बात करें, जो कि 1 जून से हो जाता शुरू हुआ और आज 19 जुलाई हो गई है, तो इस दौरान जो नॉर्मल जितनी बारिश मिलनी चाहिए हमको उतनी वो मिली है। और ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट भी इस समय आप देखेंगे नॉर्मल के आसपास ही है, थोड़ा बहुत किसी में ज्यादा, हल्का सा थोड़ा किसी में कम भी है नॉर्मल से, लेकिन ये कि विद इन नॉर्मल लिमिट है। वो मीन्स +19 और -19 के बीच एक दो जगह ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें एक्सेस होगा, एक दो डिस्ट्रिक्ट इस तरह का। आगे अब देखते हैं कि आज 19 तारीख जैसे तो आज भी हल्की से मध्यम बारिश तो अनेक जगहों तक में प्रदेश में है। भारी वर्षा की बात करें तो उसमें नैनीताल है या इधर देहरादून टेहरी पौड़ी या चंपावत है, इधर अंदर में देखें तो बागेश्वर, इनमें बिल्कुल संभावना है कि एक आध जगह में भारी वर्षा मिलेंगे। बाकी जगह मैं कहूँगा कि यहाँ हल्की से मध्यम बारिश अनेक जगहों तक में हो रहने वाली है। कल जब आप 20 तारीख को जा रहे हैं तो बारिश की जो एक्टिविटी है वो बढ़ेगी। 20 और 21 तारीख में अगर बात करूँ जुलाई की, तो उसमें आप देखेंगे कि ज़्यादातर जगहों में बारिश रहेगी हल्की से मध्यम, और जब भारी से बहुत भारी वर्षा की बात करते हैं तो उसमें आप ये देखेंगे कि जो आपका नैनीताल चंपावत उधम सिंह नगर है तो इनमें भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना कल और परसों में है। तो इसके लिए हमने ऑरेंज अलर्ट उसको रखा, ऑरेंज वार्निंग में उसको रखा गया है। तो 2 दिन जो है मैं कहूँगा इन डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा एक्टिविटी रहेगी।